आज भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई व सांसद के अनैतिक रूप से निलंबित के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि महंगाई से देश में मचा है हाहाकार, जेबकतरी सरकार साबित हो रही है मोदी सरकार। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहती है उन पर बहस नहीं करती। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राय ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। मोदी सरकार की लूट नीति ने देश की जनता को तोहफे में महंगाई दी है। मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर जनता को लूट रही है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राय, राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली सह प्रभारी खुशबू शर्मा, राष्ट्रीय सचिव मुकेश कुमार, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष रणविजय सिंह लोचव समेत अनेक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे और विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सभी ने अपनी गिरफ्तारी दी। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।